NCERT मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 3। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, क्या है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है साइन ए बराबर क्या होता है, हमने बताया था आपको साइन ए बराबर यहाँ से क्या होता है, यल ए एल बटे के ए से साइन ए बराबर होता है लम बटे कर। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए बराबर क्या है हमारा, सबसे पहले लिख देंगे साइन ए बराबर हमको दिया है 3/4, तो हमको क्या दिया गया है, होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, ये कहाँ से होता है, इस सूत्र से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। अगर ये कोण ए है, ये मान लो बी ए सी, तो इसमें लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, तो हमको निकालना क्या है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या निकाल लेंगे, आधार। सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो लगा दें पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, तो कर्ण हमें कितना पता है इसका है 4 का स्क्वायर। ठीक, और हमें लंब कितना पता है, यहाँ पर है लंब हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमें पता चल गया आधार स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ बचा प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस कर लें 16 माइनस 9, ये बराबर किधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा ना, इधर कितना बचा क्या, और आधार स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 से 9 हो गया 7, बराबर आधार की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी बराबर क्या होता है अंडर रूट 7, तो हमारा आधार आ गया कितना अंडर रूट 7। तो हमको मान किसका निकालना है, कॉस ए और टैन ए का हमको मान निकालना है। तो देखते हैं इसमें कॉस ए टैन का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर। तो हमको मान निकालना है कॉस ए और टैन ए का, सबसे पहले यहाँ पर लिख लें कॉस ए बराबर होता क्या है, कॉस ए बराबर हमने आपको सूत्र बताया था, जो यहाँ से देखिए कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, और आधार क्या है इसमें देख लें, अगर कोण ये है तो इससे लगी भुजा ये आधार हो गई, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा आधार अंडर रूट 7, और कर्ण क्या हो जाएगा 4। तो कॉस ए बराबर क्या आ गया अंडर रूट 7/4। इसी तरीके से हम मान निकालें काहे का, हमको निकालना टैन ए का मान, टैन ए बराबर क्या होता है, यहाँ से आप देखिए टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से क्या लिख लें, टैन ए का मान निकालना है हमको, तो टैन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो अगर कोण ए है तो आधार ए है, लंब क्या है ये, तो यहाँ पर लिख दें टैन ए बराबर लंब कितना है 3, आधार कितना है अंडर रूट 7, तो टैन ए बराबर कितना आ गया 3/√7, ये हमारा मान आ गया कॉस ए का और टैन ए का। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आ गया आपका क्या, यहाँ से ए बी आधार, उसके बाद हमने काहे का मान निकालना है, ये देखिए यहाँ पर कॉस ए और टैन ए का। ओके, अगले वीडियो में सवाल नंबर 4 देखें।